दोस्तों, जब किसी इंसान को आप मैसेज करते हो और वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, तो आप उसको बार बार मैसेज मत करो कि कहाँ पर बिजी हो, किसके साथ बिजी हो, किसके साथ लगे हुए हो। अच्छा, वो गलती हो गई थी, उसकी वजह से नाराज़ हो। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, माफ़ कर दो, अब तो बात कर लो। अच्छा एटीट्यूड दिखा रहे हो, सॉरी कर लिया फिर भी नहीं बात कर रहे हो, नहीं करनी तो ना करो। कहने का ये मतलब है कि जब कोई हमारा रिप्लाई नहीं कर रहा होता, हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो माइंड में आ रहा होता है हम वो लिखते जाते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज भी लिख देते हैं जो कि अगले इंसान को बुरे भी लग सकते हैं। तो होता क्या है कि ऐसा करने से, बार बार मैसेज करने से आपको दो बड़े नुकसान होते हैं। पहले नंबर पे, अगर वो इंसान सच में बिजी है और आप उसको बार बार मैसेज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आप गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज भी उसको बोल दोगे जो कि उसको अच्छे नहीं लगेंगे। जब वो फ्री होगा, मैसेज देखेगा, तो आपके मैसेज पड़ेगा, आपने उसकी अच्छी खासी क्लास लगाई होगी। जब वो ऐसे मैसेज पड़ेगा जिससे उसको दुख होगा, इस दुख की वजह से उसके दिल में आपके लिए जगह कम हो जाएगी। वो सोचेगा, यार इस इंसान से इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे ऐसा समझेगा या ऐसा कहेगा, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसका आप में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा मैसेज करने से नुकसान हो सकता है अगर वो इंसान बिजी है। दूसरा नंबर पे, अगर वो इंसान बिजी नहीं है, ठीक है, जानबूझ के आपको मैसेज नहीं कर रहा, यानी कि रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई आपका झगड़ा वगैरह हो गया या कोई भी मसला नहीं है, ऐसा ही नहीं कर रहा, तो आप उसको बार बार मैसेज करोगे तो आपको पता है उसके माइंड में क्या सिग्नल जाएगा कि आप तो उसके बिना रह ही नहीं पा रहे, आप उसके बिना मर रहे हो। तो दोस्तों, जब उसको ये पता चलेगा कि आप उसके बिना नहीं रह पाते, तो उसका जब दिल करेगा फिर आपको मैसेज करेगा, जब उसका दिल नहीं करेगा तो आपको मैसेज नहीं करेगा, यानी कि रिप्लाई नहीं करेगा आपका, क्योंकि उसको पता चलेगा कि आप उसको छोड़ के जाने वाले नहीं हो। तो दोस्तों, इसलिए जब भी आप किसी को मैसेज करो, टू द पॉइंट करो, एक दो कर लो, तीन चार कर लो, ऐसा कुछ ना लिखो जिससे अगले बंदे को बुरा लग सके। उसके बाद बस कर दो, तीन चार मैसेज करो, उसके बाद ना करो, थोड़ी देर वेट करो, 2 4 घंटे, 5 घंटे, अगर वो बिजी हुआ तो फ्री होके आपको ज़रूर मैसेज कर देगा, इससे कोई आपका मामला गड़बड़ नहीं होगा। अगर वो जानबूझ के नहीं कर रहा, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन वेट करो। जैसे ही आप 2 4 दिन 5 दिन वेट करोगे, उसको आपका मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है, उसके माइंड में तरह तरह के थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे क्यों नहीं मैसेज कर रहा, कहीं वो मुझे छोड़ कर ही ना चला जाए, क्या मसला हो गया, मेरे ना मैसेज करने की वजह से वो भी नहीं कर रहा, तो अब तो मुझे मैसेज करना पड़ेगा। वो फिर आपको मैसेज करेगा कि यार तुम तो मुझे मैसेज ही नहीं कर रहे, तो आप आगे से कहोगे भाई मैंने तो किए हुए मैसेज, आप ही नहीं रिप्लाई कर रहे। तो इस तरह आपकी दोबारा से बात होना शुरू हो जाएगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, जो आप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है ना, या जिसके दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी जगह है ना, वो आपके एक एक नुक्ते का रिप्लाई करेगा। और जिसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो चाहे आप 2 की जगह 10 100 1000 मैसेज भी कर दोगे ना, तो उसने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। तो दोस्तों, जो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा बड़े अरसे से, तो आप उसके रिप्लाई के इंतज़ार पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम बर्बाद मत करो, वो खुद पर लगाओ, वो खुद को इम्प्रूव करो, खुद को इतना इम्प्रूव करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो कि एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाओ। उसके पीछे लगे रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा, लाइफ बर्बाद होगी, कम से कम उसको छोड़ के अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर लो। अगर पढ़ रहे हो तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, काम कर रहे हो तो अपने काम पे ध्यान दो, ताकि आप ग्रो कर सको, आगे सक्सेसफुल इंसान बन सको। उस दो नंबर इंसान के, उस धोखेबाज इंसान की वजह से अपनी लाइफ तो बर्बाद मत करो। इसलिए दोस्तों, कोई भी इंसान आपके मैसेज का रिप्लाई ना करे, आप वेट करो, अगर कर दे वेट करने के बाद तो ठीक है, ना करे तो बस इंतज़ार मत करो, अपना काम करो, आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।